चौधरी परवेज़ इलाही के निगरान वज़ीर आला पंजाब हसन अस्करी से टेलीफोनिक राबता हुआ है। चौधरी परवेज़ इलाही ने हसन अस्करी को ओहदा पर मुबारकबाद दी है। अपोजिशन जमातों को उन पर मुकम्मल एतमाद है, ऐसा कहना है चौधरी परवेज़ इलाही का। हम खबर से आपको अपडेट करते चलें कि चौधरी परवेज़ इलाही की निगरान वज़ीर आला पंजाब हसन अस्करी से टेलीफोनिक राबता हुआ है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का ओहदा संभालते ही मुबारकबादें वसूल करना शुरू हो गई हैं। आपको बताएं चौधरी परवेज़ इलाही की निगरान वज़ीर आला पंजाब हसन अस्करी से टेलीफोनिक राबता हुआ है। चौधरी परवेज इलाही ने हसन अस्करी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अपोजिशन जमातों को उन पर मुकम्मल एतमाद है। इसके साथ साथ आपको बताएं तहरीक इंसाफ ने भी मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है, लेकिन नून लीग की जानिब से काफी तहफ्फुज़ात सामने आए हैं। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ और नून लीग दोनों पर ही तनकीद काफी की है और उन्होंने कहा कि इस हवाले से हम पर काफी एतमाद नहीं किया गया, जिसके बायस इन्होंने फैसला ये खुद लिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग असद सुहेब से। जी असद सुहेब, इस टेलीफोनिक राबते के मुतालिक मज़ीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम इंसाफ के मंत्री रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब के निगरान वज़ीर आला हसन अस्करी से टेलीफोनिक राबता किया है और उनको ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। चौधरी परवेज़ इलाही का यह भी कहना है कि डॉक्टर हसन अस्करी के आने से अपोजिशन जमातों को उन पर मुकम्मल तौर पर जो है वो एतमाद है और वो उम्मीद करते हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मुल्क में पंजाब में शफाफ इंतखाबात करवाने में मददगार साबित होंगे। चौधरी परवेज़ इलाही ने टेलीफोनिक राबते के दौरान ये भी कहा कि नून लीग जो है वो हसन अस्करी को बतौर वज़ीर आला आने पर परेशान है, उनकी मुखालफत कर रही है, ताहम तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं वो डॉक्टर हसन अस्करी के साथ खड़ी हैं। चौधरी परवेज़ इलाही का ये भी कहना था कि शहबाज शरीफ जो है वो तकरीब हलफबरदारी में नहीं आए और ये उनकी मुनाफ़त का मुँह बोलता सबूत है। ताहम चौधरी परवेज़ इलाही का ये भी कहना था कि डॉक्टर हसन अस्करी जो है वो कोशिश करेंगे कि पंजाब में खासतौर पर तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं उनके अतमाद के साथ ही आजादाना और मुनफाना इंतबात जो हों, किसी को उन पर कोई एतराज़ ना हो। तहम उनका कहना है कि शहबाज शरीफ का हलफबरदारी में ना आना उनकी मुनाफ़त का मुँह बोलता सबूत है। जी जी असद सुहेब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया।